उत्तराखंड में कोरोना से बिगड़ते हालात पर हरक सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हरक सिंह रावत ने बताया कि जिस तरह से कोरोना की वजह से स्थिति भयावह होती जा रही है, उसको लेकर सरकार भी 3 मई से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने पर मंथन कर रही है, जिससे स्थिति को और ज्यादा भयावह होने से पहले ही रोका जा सके। वहीं हरक सिंह रावत ने कहा कि जनपद पौड़ी की सीमाएं कई जनपदों और राज्य से मिलती हैं, जिसमें ये जिला संवेदनशील है, इसीलिए लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कोविड पर बनी सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी जनता से अपील हरक सिंह रावत ने की है। चिकित्सक को भी हमने कहा है, पैरामेडिकल के लिए स्टाफ उनसे कहा है कि कोई इमरजेंसी में आ रहा है और हमको लगता है कि ये फीवर है, उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, उसकी रिपोर्ट आए ना आए, हम उसके साथ उसको दवाई का और उसके साथ खुद के सुरक्षा के लिए बिना सुरक्षित, क्योंकि हमारे लिए डॉक्टर्स का भी पैरामेडिकल का स्टाफ का जीवन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक को बचाने के लिए हम एक डॉक्टर को नहीं खो सकते हैं, एक फार्मेसिस्ट एक नर्स को नहीं खो सकते, क्योंकि उसके ऊपर हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो हमने कहा है कि मैंने सीएमओ से और डीएम से कहा है कि आप सबको एक निर्देश देते हैं कि कोई भी इमरजेंसी में इस पर अगर इस तरह के लक्षण लग रहे हैं और उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, कोविड की या कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम हमारा व्यवहार उसके साथ उसी तरह होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है और हम उसी तरह अपने को उससे भी सुरक्षित है, उसका इलाज भी करेंगे और अपने को भी सुरक्षित रखेंगे। कोविड 19 के जिला प्रभारी मंत्री ने बताया कि श्रीकोट अस्पताल में बढ़ती संख्या में मरीज आ रहे हैं, इसको देखते हुए ऑक्सीजन बेडों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल पौड़ी, कोटद्वार, हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली में भी ऑक्सीजन बेड को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में 3 यूनिट ऑक्सीजन अभी वर्तमान में चल रही है, इसको जल्द 4 यूनिट किया जाएगा। साथ ही कोटद्वार में ऑक्सीजन प्लांट को जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे काफी हद तक जिले को बड़ी राहत मिल पाएगी। हरक सिंह रावत ने समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया है कि कोई व्यक्ति आपातकालीन में अस्पताल पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट आने तक कोविड 19 के तर्ज पर अपना बचाव करते हुए मरीज को उपचार दें। यदि किसी मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और उसकी रिपोर्ट नहीं आई है तो उसे पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करें। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।